रॉकी क्या कर रहे हो? देखो तो सही, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माफ करना तनु भाभी, तुम्हें आज भी कहीं जाना है क्या जो इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? नहीं गाइज, वो कहते हैं ना खाते वक्त सिर्फ खाने पे ध्यान देना चाहिए, बाकी बातें बाद में करनी चाहिए। और खाना चबा चबा कर आराम से खाना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। ये भी सुना ही होगा ना तुमने? हाँ हाँ सुना है, पर खाना टाइम से भी तो खाना चाहिए ना। अब इतना लेट हो गया, अयान सर अभी तक ना आए, कब खाएंगे? कब उनकी बाटी खाना पचाएगी? बाटी को भी तो खाना पचाने के लिए टाइम चाहिए रहता है ना। तनु भाभी आप ना इनको कुछ नहीं कहती, इन्हें समझो, ये सब करना बाटी के लिए अच्छा नहीं होता। वो रोज टाइम पर खा लेता है, बस आज ही लेट हो गया और वो फ्रेश होकर आ ही रहा होगा। लो आ गया रॉकी, तुम अयान को खाना सर्व कर दो। तुम्हारा करियर बर्बाद करने वाला इंसान अयान मित्तल है। क्या हुआ? अभी तो बहुत जल्दी थी तुझे सबका डिनर खत्म करवाने की, वो आके बैठ गया है, तू उसको क्यों सर्व नहीं कर रहा? तो क्या हुआ भाई, खोए खोए लग रहे हो? काउंसलिंग हेल्प नहीं कर रही है क्या तुम्हें? मैं ठीक हूँ, चिंता मत कर। तू खा लिया ना तूने खाना? अब जा अपने कमरे में, मैं खाऊं चैन से या ना खाऊं? ये क्या तरीका है बात करने का यार? दादी इट्स ओके, मुझे भाई की चिंता थी इसलिए मैंने पूछ लिया, उनको नहीं बताना तो इट्स फाइन, कोई बात नहीं। अयान डिनर के बाद मुझे तुमसे हमारी फार्म हाउस पे जाने की प्लानिंग डिस्कस करनी है, मैंने बहुत कुछ सोचा है और मैंने हम दोनों के लिए एक रोमांटिक इवनिंग भी प्लान की है, तुम बताना कैसा है? रॉकी जरा चटनी देना। रॉकी क्या हुआ तुझे? ना सैड क्यों लग रहा है, मूड खराब है? इसे आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, हमने खाने में देर कर दी इसलिए ये नाराज। क्या बात है रॉकी, गर्लफ्रेंड भी है तेरी, वाह, हमसे सब छुपा के रखता है तू। मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है। इस लड़के को क्या हुआ? अब तारे को कैसे बताऊं कि क्या हुआ है? अपनी जिंदगी में मैं आज ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ मार्ट साहब, जहाँ सच और झूठ का फर्क मारे को समझ ही ना आ रहा, मारा एक गलत फैसला कितने लोगों की जिंदगी खराब कर सके। हे माता रानी, ये सब कोई बुरा सपना हो और मारे उठते ही सब ठीक हो जावे, क्योंकि अगर मारी बर्बादी के पीछे मार्ट साहब हुए तो जिंदगी भर के लिए मैं किसी पर भरोसा ना कर पाऊंगी। प्लीज माता रानी प्लीज। फालतू आज रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।